महाभारत को आप सच माने या झूठ, ये आप पर निर्भर है। लेकिन एक ऐसी चीज जिससे हम सब सहमत होंगे कि हजारों सालों से महाभारत का लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। इस वीडियो में हम कौन सही है कौन गलत इसके बारे में चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि उन लेजेंड्स को जज करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि आप तक हम कुछ ऐसा पहुंचा सके जिसे आज तक किसी ने भी बताने की कोशिश नहीं की है। इस वीडियो में हम आपकी आंखों से बायस्ड पर्दे को हटाकर मामा शकुनी की एक ऐसी साइड दिखाने वाले हैं जिसे आज तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है। तो इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वीटी सेज में स्वागत है। महाभारत मानव जाति को बताई गई अब तक की सबसे अविश्वसनीय और दिलचस्प कहानी है, जिसके बेसिक प्रिंसिपल्स का हम सब पर काफी गहरा प्रभाव रहा है। महाभारत के महायुद्ध में कई रथी महारथी मौजूद थे, जिसमें मामा शकुनी को शायद ही कोई भूल पाया हो। महाभारत में शकुनी अपनी कुटिल बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, जिनके कारण महाभारत जैसे भयानक युद्ध की नींव रखी गई। पर आज हम मामा शकुनी के डार्क साइड को साइड में रखकर उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करने वाले हैं, जिससे उनका अनदेखा चेहरा हम आपके सामने ला सके। प्रतिज्ञा। जैसा कि हम सब जानते हैं, मामा शकुनी अपनी बड़ी बहन गांधारी से बहुत प्रेम करते थे। जब पितामह भीष्म ने राजकुमारी गांधारी के साथ शादी के लिए धृतराष्ट्र का प्रस्ताव रखा, तो शकुनी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन उन्हें और उनके पिता राजा सुबल को भीष्म की विशाल सेना के सामने झुकना पड़ा और गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से मजबूरन करवानी पड़ी। शकुनी अपनी बहन की लाइफ में आई इस प्रॉब्लम के कारण डिप्रेस्ड और बहुत गुस्से में थे, और उनके गुस्से की आग तब और भी भड़क उठी जब उन्हें इस बात का पता चला कि गांधारी ने अपनी पूरी लाइफ एक अंधे के समान जीने का प्रण लिया है। अपनी बहन को इतनी तकलीफ और दर्द में देखकर शकुनी ने अपने ही पैर में खंजर घोंपकर प्रतिज्ञा ली। शकुनी की प्रतिज्ञा पूरे कुरु वंश का नाश करने की थी, जिसमें वो आखिर में जाकर सफल भी हुए और असफल भी। सफल इसलिए क्योंकि वो कुरु और पांडवों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर विश्व के सबसे पहले और खतरनाक विश्व युद्ध को अंजाम दे पाए, और असफल इसलिए क्योंकि अंत में अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को उनकी माता उत्तरा के गर्भ से श्री कृष्ण ने पुनः जीवनदान देके कुरु के आखिरी वंश को बचा लिया। इस वजह से शकुनी का संपूर्ण कुरु वंश का नाश करने का प्रण अधूरा ही रह गया। वो चाहते तो कभी भी अपने गांधार राज्य जाकर खुशी से अपनी लाइफ गुजार सकते थे, लेकिन ये सब होते हुए भी शकुनी अपने प्रण पर हमेशा डटे रहे। उनकी लाइफ का ये इंसिडेंट हमें ये सीखने पर मजबूर करता है कि हमें हमारे लाइफ के सारे सिक्योरिटी और कंफर्ट जोन को साइड में रखकर हमारे एम हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहना चाहिए, रिगार्डलेस कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं। शकुनी को अपनी प्रतिज्ञा का हमेशा स्मरण रहे, इसीलिए उन्होंने अपने पैर में खंजर घोंपा था। ठीक वैसे ही हमें हमारा गोल हमारा टारगेट हमेशा याद रहे, इसीलिए हम एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्हें एफर्मेशंस नहीं पता उन्हें हम बता दें कि एफर्मेशंस ऐसी कुछ चोजन लाइंस हैं जो हमें पढ़ने के बाद हमें हमारे गोल्स को याद कराती है, जिससे हम फुली इंस्पायर्ड होकर अपने टारगेट की ओर नई एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ काम करना शुरू कर पाते हैं। एफर्मेशंस के अलावा आप कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो आपको आपके गोल के बारे में हमेशा पिन करती रहे, जैसा कि कैरी ने किया। जिम कैरी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। 1985 में कैरी ने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा, जिसकी डेट 10 साल बाद की थी, और इसे उन्होंने अपने वॉलेट में रखा, जिससे उन्हें अपना टारगेट हमेशा याद रहे। आप इसे कोइंसिडेंस माने या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पर ठीक 10 साल बाद 1995 में कैरी ने उनकी सबसे फेमस फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए $10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। फोकस ओनली ऑन स्ट्रेंथ। महाभारत में कई महाबलशाली योद्धा मौजूद थे, जिनकी शक्ति और पराक्रम की चर्चा पूरे आर्यव्रत में थी। शकुनी जानते थे कि उनके पास ना तो बल है और ना कोई पराक्रम, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो हमेशा अपनी बुद्धि की क्षमता पर भरोसा करते रहे, जिससे वो महाभारत जैसे भीषण युद्ध का कारण बने। हमारी लाइफ में भी हमें हमारी स्ट्रेंथ पता होती है। जैसे कि हम में से किसी की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है तो कोई बहुत तेजी से दौड़ता है, तो किसी का EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन कभी कभी दूसरे लोगों को उनकी स्ट्रेंथ्स के कारण मिल रहे रिस्पेक्ट और एडमायरेशन को देखकर हम खुद की स्ट्रेंथ्स पर शक करना शुरू कर देते हैं, और ज्यादातर लोग तो उनके जैसा बनने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी तक लगा देते हैं, जिससे कुछ वक्त बाद अपनी स्ट्रेंथ के कारण मिलने वाली सक्सेस भी उन्हें नहीं मिल पाती।
अगर आप अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और अगर इस कोशिश में आपको हार का भी सामना करना पड़े तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी, क्योंकि दूसरों को कॉपी करके मिलने वाली बड़ी सक्सेस से बेहतर तो खुद की स्ट्रेंथ पर विश्वास रखकर किया गया छोटा सा काम भी कई ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मेक अ बिग एनिमी। मामा शकुनी ने जब अपनी प्रतिज्ञा ली तो उसके साथ साथ वो सारे लोग उनके दुश्मन बन गए जो आर्यव्रत का भला चाहते थे, जिसमें पांडवों के पिता राजा पांडु से लेकर प्रभु श्री कृष्ण भी शामिल थे। राजकुमार शकुनी का निश्चय इतना दृढ़ था कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरे आर्यव्रत के खिलाफ खड़े होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भी लड़ गए। अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो शकुनी जिसके खिलाफ खड़े थे वो स्वयं भगवान थे, तो प्रैक्टिकली उन्हें हराना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस एनिमी को हराने की पूरी कोशिश की, जिससे वो जाने अनजाने में इस लेवल तक पहुंच गए कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। शकुनी का ये फियरलेस एटीट्यूड हमें ये सिखाता है कि हमें हमारी लाइफ में एक ऐसा पावरफुल एनिमी रखना चाहिए जिससे हम कम्पीट करके खुद को अगले लेवल तक ले जा सके, जैसा स्टीव जॉब्स ने किया। अगर वो IBM के साथ कम्पीट नहीं करते तो एप्पल आज इतनी अल्ट्रा सक्सेसफुल कंपनी नहीं होती, ना ही फरुचियो लैम्बर्गिनी एंजो फरारी से इंसल्टेड होने के बाद उनसे कम्पीट नहीं करते तो आज लैम्बर्गिनी $11 बिलियन की कंपनी नहीं बन पाती। एडिसन टेस्ला से लेकर आज के बेजोस और इलॉन मस्क तक, ये सारे लोग अपने एनिमी से एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेकर ही अपने लाइफ में इतने बड़े मुकाम तक पहुंच सके हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो मेजॉरिटी ऑफ ग्रेट स्टोरीज, मूवीज, बायोग्राफीज ग्रेट तभी बन पाई जब उनमें से किसी ने किसी को हराने की कोशिश में अपना लेवल इस हद तक बढ़ा दिया कि उनका नाम पूरी दुनिया में फैल गया। एक ट्रू एनिमी जिससे आप नफरत करते हो वो आपको इतना तकलीफ में डालता है कि आप खुद के लिमिट्स को ब्रेक कर अपने अंदर छिपे हिडन पावर और पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करके अननोइंगली ही अनबीटेबल बन जाते हो। वैसे भी विंस्टन चर्चिल ने कहा है, इफ यू हैव एनिमीज गुड, दैट मींस यू हैव स्टूड अप फॉर समथिंग सम टाइम इन योर लाइफ। अगर ध्यान से देखें तो जो भी इंसान आपको नोइंगली या अननोइंगली आगे बढ़ने में मदद करता है तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो इस हिसाब से आपका दुश्मन भी आपका बेस्ट फ्रेंड हुआ, क्योंकि उसके दिए गए इमोशनल ब्रेकडाउन से ही तो आप बाउंस बैक करके इतने स्ट्रांग बन पाए। हम शकुनी को आज तक बस उनकी चतुराई, चालाकी और उनके षड्यंत्र के लिए ही याद करते आ रहे थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी बहन पर हुए अन्याय के कारण जो कुछ भी किया वो सही था या गलत, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और उसके साथ साथ हमें ये भी बताइए कि सोसाइटी में ऐसा कौन सा इनजस्टिस, अनफेयरनेस या रॉन्गनेस है जिसे आपने कभी विटनेस किया हो, जिसे आपने कभी रोकने की कोशिश की हो या जिसे आप रोकना चाहते हो। और अगर आपको महाभारत के इस हिस्ट्रिकल लेजेंड गांधार पुत्र शकुनी के जीवन से ली गई कुछ लाइफ लर्निंग्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल विटी स्टेज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।